अपने वाले बंदे अपने बच्चों को पूरा ध्यान से रखते हैं, पर ये जो गोरे होते हैं ना भाई, मेरे हाथ से सुबह सुबह ऊपर वाले ने इस बंदे की हेल्प लिखी थी, उस चीज के पैसे मिलते हैं भाई बॉर्डर के ऊपर वेट करने के। यार का ना सच में बुरा हाल हो गया, बाइक के ट्रक के ऊपर कितने कैमरे हैं, एक जी। गुड मॉर्निंग भाइयों, सुबह के 7:45 हो चुके हैं अभी, और हमें करनी है डिलीवरी साथ में जाके। 8 बजे उधर बताया था उस बंदे ने कि हाँ भाई 8 बजे सुबह डिलीवरी करनी है। अभी है हम वॉलमार्ट के ऊपर, वॉलमार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा बाहर निकल के, और एक बार थोड़ा सा ब्रश वगैरह कराएं, फिर मिलता हूँ आपको। ये है भाई वॉलमार्ट, और यहाँ पर हमने पार्किंग लगा के अपना ट्रक, और सोए थे वैसे यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर तो मैंने अभी अभी किया, पीछे था उधर वहाँ पे, और काफ़ी ट्रक थे यहाँ पर, वो दूर तक ट्रक ही ट्रक, और इस साइड में यहाँ पर आपको ट्रक दिख रहे होंगे। जिन भाइयों ने लास्ट व्लॉग देखा है उनको पता होगा कि हम डिलीवरी करने के लिए आए थे, पर उन्होंने डिलीवरी कल ली नहीं, तो आज हम डिलीवरी करने के लिए जा रहे हैं। इस लोड की हमें आज डिलीवरी करनी है, टारपे वगैरह उतार के। जी तो डिलीवरी हो चुकी है यहाँ पर डन, अभी हमें जाना है स्टील का लोड उठाने के लिए, 3 घंटे की ड्राइव है भाई। लाजा मस्टैंग थे नाल, ऑफ रोडिंग भी है उसके पास। जी तो रेडी हो चुके हैं भाई पिकअप के लिए, ये लोकेशन वो है पीछे, फॉगलिफ्ट वाला रेडी कर रहा है हमारा लोड, और यहाँ पर हमने करनी है पिकअप। तो 40 फीट का लोड हमने रखना है, वो आ रहा है भाई सामने से। तो लोड हो गया डन यहाँ से, और हम हैं गुड टू गो यहाँ से निकलने के लिए। पर यह ना बंडल है जो पीस है काफ़ी ऊपर नीचे है, जैसे एक ही बंडल है, ये वाला बंडल बड़ा है 40 फीट का, बाकी मेरे हिसाब से 25 या 30 फीट के हैं। और आज लगभग 20 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, बहुत गर्मी हो चुकी है भाई यहाँ पर। हीटर वेल चेक करो एक बार, ये कपल ड्राइव करते हैं, हस्बैंड वाइफ है, दोनों लोड मारने को लगे हुए हैं, पर ट्रक चेक करो पूरा बढ़िया है यार, भी अच्छा है। पूरा गर्मी की वजह से ना भीग चुका हूँ भाई, पूरा पसीना ही पसीना हो गया बॉडी में। अगर इतनी गर्मी में रेड बुल मिल जाए तो बात ही बन जाए, ठंडी ठंडी रेड बुल। एक सलाह है भाई उन बंदों के लिए जो अभी अपना ट्रक डालने के लिए सोच रहे हैं, अभी मेरा तो वैसे कोई प्लान नहीं है अभी ट्रक डालने का, इन द फ्यूचर जरूर करेंगे। उन बंदों के लिए सलाह है जो बंदे अभी ट्रक डालने को सोच रहे हैं, अपना जो कंपनी ड्राइवर है और वो ट्रक डालना चाहते हैं, वो बंदे ना एक बार जरूर फ्लैट बेड में आके ट्राई करो, फ्लैट बेड चलाओ थोड़ा टाइम, 6-7 महीने फ्लैट बेड चलाओ, और बाद में अपना ट्रक फ्लैट बेड में डालो, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इतना ड्राई वैन में फ़ायदा नहीं है जितना फ्लैट बेड में है, हालांकि फ्लैट बेड में ड्राइवर इतना ज़्यादा पैसे नहीं कमाते जितने ओनर ऑपरेटर फ्लैट बेड में पैसे कमाते हैं। जब भी कोई बंदा फ्लैट बेड करने लगता है उसके साथ वाले हमेशा यही बात करते हैं कि भाई
कुछ ज्यादा पैसे की फर्क नहीं है। अगर ड्राइवर वाला 8000 कमाता है तो 8500 से 9000 ही सिर्फ जो फ्लैट बेड वाला होता है वो कमाता है। पर ये सिर्फ लिमिट है कंपनी तक, जगह जब आप कंपनी ड्राइवर हो, पर जब आप ऑनर ऑपरेटर बन जाते हो ना तब कुछ बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। आप अपना काम टैंकर में कर सकते हो, रीफर में कर सकते हो, फ्लैट बेड में, स्टेप डेक में, लो वॉइस में, किसी में भी कर सकते हो आप काम। पर ऐसा है कि ड्राई वैन से थोड़ा सा मेरे हिसाब से ट्राई करो कि ड्राई वैन में अपना ट्रक मत डालो, क्योंकि ड्राई वैन में मेरे हिसाब से आजकल वो बात नहीं रही। क्योंकि मैंने काफ़ी अपने फ्रेंड से बात की और वो बोलते हैं कि यार भाई इतने पैसे मिलते नहीं। हालांकि पिछले टाइम में पैसे मिलते थे पर अभी इतने पैसे मिलते नहीं ड्राई वैन के लोड्स में, पर जो दूसरे लोड्स होते हैं। मैंने चलो अभी क्या बात करनी, कंपनी वाले सारी मूंगफली तो वो खा जाते हैं, हमारे पास तो कंपनी ड्राइवर के पास तो जो उसके फोलक होते हैं ना वही आते हैं। ट्रक का कलर चेक करो, क्या बात है यार, पीटर बेल्ट भाई बोल रहा है कि 2017 मॉडल है। और इंडिया में हम बोल देते हैं कि भाई ऐसे कलर क्यों लेने, जैसे लाल ले लिया किसी ने, येलो ले लिया, पर यहाँ पर लोग बहुत पसंद करते हैं लाल पीलियाँ गाड़ियाँ यहाँ पर। ये देखो इधर भी येलो, इधर भी येलो। Okay, so you have to plug it in. No, actually, it doesn't need anything. Like if we charge it, it can work up to 2 hours. It's not a dash cam. Dash cam is over there. Oh, it's okay. Just for the social media. Oh, yeah. Social media. Yeah, oh, okay. I'm a YouTuber. Oh, okay. Yeah. All right, Dave. Yeah, man. Okay. भाई को लगा कि सामने ट्रक के मैंने डैश कैम लगाया है तो, पर ये सिर्फ नॉर्मल वीडियो के लिए है ट्रक के आगे कैमरा। तो ट्रक लगा दिया यहाँ पे पार्क, और आप चेक करो बाइक के ट्रक के ऊपर कितने कैमरे हैं, एक दो, और दूसरी साइड भी है बाइक के ट्रक के ऊपर कैमरे। 50 है भाई, हर तरफ कैमरा है, और अंदर एक स्क्रीन लगी थी जिसके ऊपर सारे कैमरे ड्राइवर को शो होते हैं। क्या बढ़िया वेदर है यार बाहर। ये लिया साथ में डबल रोटी जो हमारे इंडिया में 2 रुपये की मिलती होती थी जब उस टाइम में 2017 में, और इसमें थोड़ी सी चेरी होती थी, यहाँ से मिली है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट था इसका। ये मिशिगन वाले जो रोड है ना भाई, इतने ज़्यादा इसके ऊपर गड्ढे हैं ना, देखो ट्रक क्या कर रहा है। तो ये मेरे हिसाब से 50 या 60 किलोमीटर का ऐसा ही रोड है, सारे रोड के ऊपर उखलियाँ, इस रोड के ऊपर खड्डे, फिर कई बार हम मतलब मिडल लेन में चल जाते हैं उसमें खड्डे कम है, मिडल में भी कई किसी जगह पर तो पूरे आते हैं भाई, और जो बिल्कुल लेफ्ट लेना वो ठीक है। जब पहले कोई भी बंदा फ्लैट बेड करता है ना तो उसके दिमाग में यही चीज़ रहती है कि भाई खड्डे में लगा बंदा पीछे देखता है, फिर से खड्डे में लगा बंदा पीछे देखता है कि लोड ठीक है, क्योंकि नए नए को इतना पता नहीं होता कि भाई लोड किधर भी नहीं जाता, चाहे जितने मर्जी बड़े बड़े खड्डों में हमारा ट्रक लगता है, क्योंकि जो टायरों के नीचे एयर बैग्स होते हैं वो लोड को बचा के रखते हैं। अगर एयर बैग्स अच्छे नहीं है जब मतलब उनमें एयर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम जरूर आएगी, लोड जरूर हिलेगा फिर तो। किलोमीटर रह गया बॉर्डर, ऊपर लिखा है ना ब्रिज टू कनाडा 15 किलोमीटर के ऊपर है, और मैं कितने टाइम का फोन में देख रहा हूँ यार कोई मैसेज आ जाए, हमारा अभी तक लोड नहीं क्लियर हुआ। जैसे लोड क्लियर होता है वैसे ही मैसेज आ जाता है फोन में, और ईमेल भी आ जाती है कि लोड क्लियर है भाई, ये रात रहा एंट्री नंबर, उसकी वेट कर रहा हूँ। सिर्फ 14 किलोमीटर के ऊपर बॉर्डर है हमारा, चक्कर तो कोई नहीं है, फिर हमें ड्यूटी फ्री के ऊपर रुकना पड़ेगा। वही बात होगी, लोड नहीं हमारा क्लियर हुआ और हमने अभी ट्रक लगा लिया अपना ड्यूटी फ्री के ऊपर, और ये ऊपर जा रहा है ब्रिज कनाडा को, हमने यहाँ पर स्टे किया है। अगर हमें भी जाना है कनाडा को यहाँ से घूम के ब्रिज वहाँ से जाना है, वो देखो ट्रक जा रहा है ऊपर। ये ड्यूटी फ्री का जो डीजल का पंप है ना ये हमेशा बिजी रहता है, यहाँ से काफ़ी ऑनर ऑपरेटर डीजल डलवाते हैं क्योंकि टैक्स फ्री होता है।
अभी तक लोड नहीं क्लियर हुआ यार। आदि तो जो ड्राइवर ऐसे होते हैं ना जो शॉर्ट हॉल करते हैं, यहाँ से 500 किलोमीटर गया फिर वापसी, ऐसे ड्राइवर्स को प्रॉब्लम काफ़ी आती है। लोड इस साइड से क्लियर नहीं हुआ, बॉर्डर के ऊपर बैठे रहो, दूसरी साइड को क्लियर नहीं हुआ, बॉर्डर के ऊपर बैठे रहो। जब हम फ्लोरिडा की ट्रिप लगाई थी, जिन भाइयों ने फ्लोरिडा का व्लॉग नहीं देखा मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा किसी जगह पे, आप देख लेना और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। वो ट्रिप में बहुत मतलब इतना ज़्यादा मज़ा आया, एक तो ट्रिप 5 दिन में कम्प्लीट हो गया और ऊपर से पैसे उतने ही ज़्यादा बन गए जितने मैं 6 दिन में कमाता हूँ, तो मेरे हिसाब से फ्लोरिडा वाला ट्रिप ज़्यादा अच्छा था। ये देखो सारे ट्रक जा रहे हैं भाई, हमारा ही ट्रक नहीं जा रहा है यहाँ से। हम ऑलमोस्ट यहाँ पर 40 मिनट्स हो चुके हैं वेट करते करते, और मुझे पता है काफ़ी इंडिया वाले भाई का कोई ना कोई क्वेश्चन भी हो गए कि इस चीज़ के पैसे मिलते हैं भाई, बॉर्डर के ऊपर वेट करने के कोई पैसे नहीं मिलते। अपने वाले बंदे अपने बच्चों को पूरा ध्यान से रखते हैं, पर ये जो गोरे होते हैं ना भाई, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, ये देखो एक बार ये भी, ये छोटा सा बच्चा है, क्या बात है यार चेक करो एक बार और, देखो एक बार और देखो, देखो छोटा सा बच्चा है और पूरा स्पोर्ट्स मोड में है। तो हमारे वाले जो होते हैं बच्चों को बाहर नहीं निकालते, चलो वो भी अपनी जगह गलत नहीं है, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, ऐसा होता है कि हमारे वाले जो बंदे होते हैं बाहर सोचते हैं कि ये बच्चा बाहर निकलेगा तो इसके कोई चोट वगैरह ना लग जाए, पर ये गोरे बोलते हैं कोई चक्कर नहीं जा, मैं तेरे साथ हूँ, क्यों डरता है जा। मैंने काफ़ी बार, जैसे मैं वंडरलैंड जाता हूँ, वंडरलैंड में भाई छोटे छोटे बच्चे और इतनी इतनी बड़ी राइड लेते हैं भाई, मैं तो उनके बिल्कुल भी पास भी नहीं जाता उन राइड्स के जो वो छोटे छोटे बच्चे। एक था मुझे याद है, एक बंदा आया था वहाँ पे और उसके साथ एक उसकी लड़की थी और एक उसका बेटा था, वो मेरे हिसाब से 8-9 साल का था, वो उसके साथ सबसे बड़ी वाली राइड ली उसने, और बच्चे ये बोल रहे हैं कि डैड आई वाना डू दैट, डैड आई वाना डू दैट। अरे भाई साहब ये गोरे बहुत अजीब है भाई। अंधेरा हो चुका है अभी, यहाँ पर 1.5 घंटा हो गया हमें आए हुए, तो लगा लो कि इतनी बड़ी भाई प्रॉब्लम आ रही है। एक मैसेज को उड़ीक रहा हूँ, बार बार फोन को देखता हूँ कि भाई मैसेज आया, कोई मैसेज नहीं आया। ट्रक ऑफ किए को काफ़ी टाइम हो गया, ठंड हो चुकी है ट्रक के अंदर, ट्रक स्टार्ट करते हैं पहले। ये फ्रोजन फूड का मज़ा है यार, जब मर्जी गर्म करो, जब मर्जी निकालो और खा लो। इसका ये फ़ायदा है जब हमारी रोटियां ख़त्म हो जाती हैं या हम मतलब उसकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो हो जाती है, स्मेल आने लग जाती है 3 दिनों के बाद, तो ये काम आते हैं भाई। आई नो कि ये हेल्थी नहीं है, पर जो हम बाहर से खाएंगे वो भी नहीं हेल्थी होगा भाई, तो इतना अच्छा है कि ये खर्चा कम करवाता है। लोड तो भाई क्लियर होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम सो लेते हैं थोड़ा टाइम, अलार्म लगा देते हैं 1.5 घंटे तक, 9:50 का अलार्म लगा दिया एक और एक 10 बजे का। हमारा उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास अभी 6 घंटे हैं, 6 घंटे में हमें सुबह की पिकअप करनी है 5 बजे, और यहाँ से 5 घंटे की ड्राइव है लगभग, अगर 10 बजे भी उठे थोड़ा टाइम ही हमारे के लिए, हमारे पास सोने के लिए 2.5 घंटे की स्लीप अभी हो चुकी है, और 1.5 घंटे तक उठते हैं और गुड नाइट। 1 hour later. लोड हो गया हमारा क्लियर अभी अभी, जैसे मैंने अलार्म लगाया था 10 बजे का, पर मैंने काफी बार चेक किया लोड हमारा क्लियर नहीं हुआ, बट अभी अभी क्लियर हुआ है थोड़े टाइम पहले। और अभी हमारी जो बुक है वो 5 घंटे और 53 मिनट की हो चुकी है स्लीप में ऑफ ड्यूटी में, तो हम 7 मिनट की और डालेंगे क्योंकि यहाँ पर हम 6 घंटे की और 4 घंटे की आगे पिकअप लोकेशन के ऊपर स्लीप डालेंगे,
ऐसे हम अपनी ट्रिप प्लान करेंगे, पर इसमें ये प्रॉब्लम आई हमें इस रोड ना क्लियर होने की वजह से कि हमारी कोई स्लीप का कुछ पता नहीं। पहले मैं 2-3 घंटे ऐसे उड़ीकता रहा कि भी हाँ भी अब होगी अब होगी, और अभी तो फिर टाइम से सो नहीं पाया मैं। तो ये प्रॉब्लम होती है ऐसे अगर बॉर्डर परेशान करे तो। ये कौन गद्दा फेंक गया पीछे? ये मेरे हिसाब से पता नहीं किसी का गिरा है या कोई फेंक गया यहाँ पे, वो भी बॉर्डर के ऊपर। लाइटें वगैरह सेट हो रही है और रोड चेक कर लेते हैं एक बार। एक बात अच्छी हुई है कि हमारे पास बिल्कुल पूरा पूरा टाइम है, किसी भी जगह पर रुकेंगे नहीं। अभी मैं जल्दी से जल्दी प्री ट्रिप डाल देता हूँ। वैसे हमने 24 घंटे में एक बार प्री ट्रिप डालनी होती है, पर मैंने सोचा कि डाल ही देते हैं। चलो हमारे पास बिल्कुल पूरा पूरा टाइम है। यार्ड में जाके ट्रेलर स्विच करके अगला जो लोड उठाना है, मैंने सॉरी आपको प्लान नहीं बताया, हमारा प्लान ये है हमने यार्ड में जाना है। यार्ड में जाके हैमिल्टन से पिकअप करनी है, हैमिल्टन वापसी में है। जैसे जाएंगे ये ट्रेलर ड्रॉप करेंगे और अगले लोड की पिकअप हमारी 5 बजे है और अभी बजे हैं रात के 12। तो लेट्स गो। दौरे का सुबह सुबह ट्रक फंस गया यार्ड में, पूरी बंदा गाली दे रहा है। अभी थोड़ा सा ना रिवर्स करके उसका ट्रक निकालते हैं। हुक डालिया मैंने, इट शुड बी गुड। Good. Yeah. Well, I went slow because I did. It's a huge hole. Yeah. I went slow there at the bump. Stop. Yeah. I will take care of that chain. You can try moving. No. Oh, try to move it. Yeah, because if this happens again, then we can use it. Hooker lagai hai, bhai. Yaar ka na sach mein bura haal ho gaya. Jab last snow aayi hai. तो अभी थोड़ी थोड़ी स्नो जो मेल्ट होगी और ऊपर से ना पूरी आइसी है। किसी का कोई इसमें दोष नहीं है, पर फिर भी यार ना चक्कर है ये। चल जा ले जा भाई। हाँ ले जा निकल गया। वो वाला है टोआ भाई सामने जिसमें ट्रक फंसते हैं। हमारा ट्रक ना फंसे, बस हमें बैग लगाना है। वैसे थे तो हम भी लेट ही, पर चलो कोई बात नहीं यार। बहुत ज़्यादा ही भाई मतलब इरीटेट हुआ था, यहाँ से निकल जाए बस। एक बार रोकेंगे नहीं, अगर एक बार ट्रक रुका तो क्या। नहीं ट्रक नहीं रुकना, एक बात तो माननी पड़ेगी भाई, जो लिखा हुआ होता है ना वही होता है। मेरे हाथ से सुबह सुबह ऊपर वाले ने इस बंदे की हेल्प लिखी थी, तो इस वजह से मैं इस टाइम के ऊपर पहुँचा। अगर मैं रात को आ जाता हो सकता है इस बंदे को थोड़ी सी और परेशानी झेलनी पड़ती, क्योंकि सुबह सुबह के अभी 3 बजे हैं, कोई ड्राइवर मेरे हिसाब से इस टाइम पर नहीं आता। पर वो बंदा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, वो बोल रहा था कि क्या यार काम पे जाने को दी नहीं कर रहा। हाँ जी, तो ट्रेलर ड्रॉप कर दिया भाई यार्ड में, और बाकी आज के ब्लॉग को हम यहाँ तक ही रखते हैं। जिन भाइयों को वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। बाकी अगर आप भी शॉर्ट हॉलिंग करते हो कनाडा में, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है बॉर्डर के ऊपर वेटिंग पड़ी है, तो भाई कमेंट जरूर करना। बाकी लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।